लक्ष्मी बॉम्ब में अक्षय कुमार के साड़ी वाले लुक को देखकर अजय देवगन क्यों बोले, मैं हॉट तो नहीं कह सकता। फिल्म की कहानी क्या है, इस फिल्म को कितने करोड़ में बेचा गया है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। अक्षय कुमार की आने वाली हॉरर कॉमेडी लक्ष्मी बॉम्ब साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म का निर्देशन राघव लॉरेंस ने किया है। इस फिल्म में कियारा आडवाणी भी नजर आएंगी। लक्ष्मी बॉम्ब को शुरू में 22 मई को सिनेमा घरों में रिलीज करने का मन था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से इसने OTT मार्ग अपना लिया है। इन्हीं सब के बीच इस फिल्म के दो पोस्टर रिलीज हुए हैं। फिल्म में ट्रांसजेंडर का रोल निभा रहे अक्षय कुमार का लुक पोस्टर में एकदम परफेक्ट नजर आ रहा है। फैंस के साथ ही साथ बॉलीवुड सितारों को भी अक्षय का लुक शानदार लगा। एक्टर अजय देवगन ने फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का पोस्टर देखकर कमेंट किया है। बता दें कि बीते दिन डिज्नी हॉट स्टार के लाइव इवेंट के दौरान आधिकारिक घोषणा करते हुए अक्षय ने फिल्म के दो पोस्टर शेयर किए हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों डिज्नी हॉट स्टार के लाइव इवेंट के दौरान अजय देवगन भी लाइव रहे। इस दौरान जब अजय से अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब में उनके लुक के बारे में उनसे पूछा गया, तो सिंघम एक्टर ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि लक्ष्मी का लुक बहुत हॉट है, लेकिन हाँ ये सच है कि वो बहुत ग्रेसफुल है, सुंदर है। मुझे स्क्रिप्ट के बारे में पता है, एक शानदार स्क्रिप्ट है, शानदार भूमिका है, और अक्षय ने भी अपनी साड़ी वाले लुक को लेकर काफ़ी अद्भुत तरीके से पेश किया है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साड़ी को कैरी किया है। आपको बता दें कि फिल्म में अक्षय कुमार एक ऐसे आदमी का किरदार निभाते नजर आएंगे जिस पर हिजड़ा यानी कि ट्रांसजेंडर का भूत चढ़ जाता है, और फिर वो हिजड़ा अक्षय कुमार के शरीर में घुसकर अपने मौत का बदला कैसे लेता है अक्षय के जरिए बाकी लोगों से। ये फिल्म साउथ की सुपरहिट फिल्म कंचना का हिंदी रिमेक है। कंचना एक तमिल फिल्म थी जिसे राघव लॉरेंस ने ही डायरेक्ट किया था, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल कर चुकी है। आमतौर पर बड़ी फिल्मों के डिजिटल राइट्स मैक्सिमम 60-70 करोड़ रुपए में बिकते हैं, लेकिन लक्ष्मी बॉम्ब का मसला अलग है, क्योंकि ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज नहीं हो रही, इसे सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाना है जो कि डिज्नी हॉट स्टार प्लस है। इसी वजह से इस फिल्म को 125 करोड़ की पहाड़ नुमा रकम में बेचा गया है। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म के पोस्टर्स कैसे लगे? क्या आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़।